इमरान खान के खिलाफ बयान देकर आजम खान ने पाकिस्तान की खिदमत की। मजीद कौन वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार? फैसल वावड़ा का बड़ा बयान आ गया। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ बतौर वादा मुआफ गवाह फरह गोगी का बनना एक छोटा नाम है, आने वाले दिनों में बड़े बड़े नाम वादा मुआफ गवाह के तौर पर नजर आएंगे। फरह एक छोटा नाम है, इससे बहुत बड़े बड़े वादा मुआफ गवाह आएंगे, आने वाले दिनों में नजर आएंगे। वावड़ा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 4-5 अफराद तो पहले ही वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं, मगर उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो ना 3 में रहे ना 13 में। जिन 4-5 का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो बन चुके, वो तो ऑलरेडी बने हुए, उनका प्रॉब्लम ये हुई कि वो ना 3 में रहे ना 13 में रहे। प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल किया कि अगर असद उमर, शीरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी में से किसी ने 164 के बयान के हवाले से कुछ बोल दिया वो तो चार्ज शीट बन जाएगी। फैसल वावड़ा ने कहा वो बन चुकी है, आजम खान ने सिर्फ 2-4 पॉइंट ही नहीं बोले, आजम खान ने इमरान खान को तो गलत कर दिया मगर पाकिस्तान की खिदमत की है और वो कर गए हैं। आप क्या समझते हैं कि आजम खान साहब ने 2-4-5-10 पॉइंट आप लोगों को मिले हैं वही बोला? उन्होंने आगे बढ़ के इन अ वे पाकिस्तान की शायद इमरान खान साहब गलत कर दिया लेकिन पाकिस्तान की खिदमत की है, जो बातें वो कर गए।